फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक आउटफिट चेंज कर लिया है मैंने एंड अर्लियर मैं क्या कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। तो आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं एंड मैंने थोड़ा सा मील प्रिपेयर किया है। अर्लियर मैंने उसकी थोड़ी वीडियो शूट की, आपको बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक नोटिस के बाद हुआ है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दाल मखनी बनाने वाली हूँ एंड कढ़ाई पनीर एंड थोड़ा सा साइड्स बना लेंगे, रायता और पुलाव एंड रोटी, दैट्स इट। सो जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं जो मैंने ऑलरेडी कर ली है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। जो कुछ अगर आधा घंटा पहले होता तो मैं नहीं कर रही थी, पर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। लेट्स गो। दाल मखनी के लिए दाल को मैंने कुछ घंटे पहले सोख कर लिया था क्योंकि सोख करके जो अलग सा फ्लेवर आता है तो बहुत मज़ेदार लगता है। ये क्विक नोटिस था, अदरवाइज़ मैं ओवरनाइट ही सोख करती। दाल को कुक होने के लिए मैं बहुत लंबे समय के लिए रख देती हूँ स्टोव पे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे आराम आराम से। इसमें मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, ये बस कुक विद मी है। आप मेरे दोस्त हैं और हम दोनों साथ साथ कुक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तड़के की तैयारी दोनों चीज़ों के लिए मैं एक ही साथ करने वाली हूँ। जो हमारे घर आने वाले हैं वो वेजिटेरियन है, तो मैंने दो ही चीज़ों का इंतज़ाम किया है, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी का। और काफ़ी ज़्यादा प्यार से मैं बनाती हूँ तो अच्छा ही लगेगा, मुझे उम्मीद है उनको। एंड जब इंडियन खाना बनाते हैं तो मैं सिरके वाले प्याज ज़रूर से बनाती हूँ। उसके लिए मैं बड़े चंक्स में अनियन को काट लेती हूँ, रेड अनियन को, और उसे डिप कर देते हैं पूरा सिरके में, वाइट विनेगर में। और जो बचा हुआ एरिया है कंटेनर का, उसमें मैं उबलता हुआ पानी डाल देती हूँ, उससे अनियन अलग सा कलर छोड़ देते हैं एंड पिकल्ड हो जाते हैं। अब दोनों को तड़का एक ही साथ लगा लेते हैं ताकि फिर मैं बाकी चीज़ें बाद में कर पाऊँ। तड़का बेसिकली दोनों चीज़ों का सेम तरीके का ही होने वाला है, पर दाल में मैं सिर्फ टमाटर ही ऐड करती हूँ, प्याज नहीं करती हूँ।
पनीर की डिश में मैं दो प्याज़ा होने वाली है, एक प्याज की क्यूब्स डालूंगी मैं, एक प्याज क्रश करके पहले। सो दाल की रंगत कुछ इस तरह की काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एंड ये मेरा प्याज का तड़का तैयार हो रहा है। दाल का तड़का फिनिश हो चुका है, हम दाल को ऐड तड़के को दाल में ऐड कर देंगे एंड इसको और स्लो कुक कर देंगे। इसमें थोड़ा सा बटर एंड क्रीम भी ऐड कर देती हूँ ज़्यादा मक्खनी वाले फ्लेवर के लिए। मेरी ये तड़का तैयार हो गया है कढ़ाई पनीर का। इसमें मैं अलग ये क्यूब्स कटी हुई पेपर्स की एंड अनियन की ऐड करूँगी। जब ये कुक होगा अच्छी तरह हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। एंड दूसरी तरफ मैं सैलड बनाने वाली हूँ। मैं दो डिफरेंट सैलड बनाऊँगी, एक तो जो मैं नॉर्मली बहुत ही जूलियन काट के बनाती हूँ वो, एंड एक मैंने ना चने बॉईल किए थे अर्ली मॉर्निंग अपने लिए, सो उसको भी मैं एक प्यारा सा चटपटा सा सैलड बना लेती हूँ जिसमें मैं छोटे छोटे क्यूकम्बर चॉप करके अनियन टमाटर एंड हरी मिर्च एंड ऑल्सो धनिया नींबू का रस थोड़ा चाट मसाला थोड़ी सी सॉल्ट एंड पेपर, बहुत डिलिशियस बनता है ये सैलड। एंड एक ये सैलड तैयार हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरी कढ़ाई पनीर में क्रीम कुक हो रही है, अभी इसी समय पे हम पनीर भी ऐड कर देंगे। एंड फिर जब तक ये क्रीम तेल नहीं छोड़ देती तब तक मैं ये कढ़ाई पनीर को कुक करती हूँ, तो अलग सा बहुत ही खूबसूरत रंग आता है। अब रायता तैयार कर लेते हैं। रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसमें धनिया एंड हरी मिर्च ऐड करूँ
एंड थोड़ा सा ये दही की पकौड़ियाँ ऐड करेंगे, दही को ऐड करके इसको फ्रिज में रख देंगे। इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करके, ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करती हूँ नहीं तो पानी जैसा हो जाता है। सो जूलियन काट के भी मैंने सैलड तैयार कर लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कुकिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं एंड देन। सो मैंने राइस रख दिए हैं, दाल रेडी है, पनीर रेडी है, सारी साइड्स रेडी हैं एंड डिनर हम करेंगे अराउंड 6:30 और 7, तब तक राइस रेडी हो जाएंगे, अब बस उनकी वेट करेंगे हम लोग। तो अब हमारा सारा काम हो चुका है, मैं और हिम्मत थोड़ा सा हेयर देयर क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, जो मैंने कुकिंग के समय पर गार्बेज हुआ है वो हिम्मत बिन में फेंक देगा और थोड़ी बहुत हम यू नो ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं एंड वेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है उनके आने का। जब गेस्ट आ जाते हैं तो मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है ना अपना कॉन्टेंट क्रिएट करते रहो। सो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, पर थोड़ा सा ये हमारा फिनिश्ड मील है। सो ये है हमारा फिनिश्ड मील, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना था एंड मैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, आपको एक गवाह से मिलाते हैं। My mom is the best cook with dal makhani. It's the best. And what about other things? And raja rice. I love raja rice. Yeah. गाइस सोने के लिए जाने वाली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एंड वीडियो को एंड करना भूल गई थी ऑलमोस्ट मैं, मैंने सोचा कि यहीं पे बंद कर देते हैं। आई होप आपको ये कुकिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ज़्यादा शूट करना चाहती थी पर बिकेज ये शॉर्ट नोटिस था एंड मैं प्रिपेयर नहीं थी तो फिर भी मैंने शूट किया है। दाल मखनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी दाल बनती है, उनको दाल बहुत अच्छी लगी एंड कढ़ाई पनीर की रेसिपी नहीं है, कोशिश करूँगी अगली बार जब भी मैं करूँ शूट करूँगी एंड या खाना अच्छा बना था एंड अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। कल आपको मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग में से अच्छा लग रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कमेंट बार में कुछ प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ना, कुछ भी आपके विचार मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, मेरे कॉन्टेंट के बारे में, या अगर आप अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं ज़रूर से करें। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ, अपना ख्याल रखें, बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वे आई कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी वीजी लव इज़ हुई सी, बाय बाय लालू, अखा बंद हो रही है मेरी।